टू ऑल स्टूडेंट, अगेन आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल जेईई स्कूल में। एक और अपडेट आ रही है आरआरबी को लेके। इस बार आप लोगों को आरआरबी एसएससी में भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। आरआरबी ने 2018 से एसएससी की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी उसके ऊपर रोक लगा दिया था। इससे पहले भी मैंने एक आरआरबी जेईई के ऊपर वीडियो बना रखी थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि इस बार आप लोगों को बंपर वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और मैंने उसमें यह भी बताया था कि जो आरआरबी के जो जेईई का जो पोस्ट आती है उसके अंदर डिप्लोमा और बीटेक वाले दोनों एलिजिबल होते हैं। बट आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से आरआरबी एसएससी की। एसएससी मतलब होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जो जेईई से दो लेवल अप होता है एसएससी। तो इसमें भी आप लोगों को इस साल रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। और एक बार हम लोग देख रहे थे कि मैं ये जो रिक्रूटमेंट है किस बेस पर बोल रहा हूँ और कितनी वैकेंसी इस बार आने वाली है और कैसे ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हो सकती है अपने स्ट्रगलिंग फेस को सिलेक्शन फेस में कन्वर्ट करने के लिए। माय नेम इज सुभाष और मैं करंटली आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की स्ट्रगलिंग फेस को कट ऑन करने के लिए। इसके अलावा 13 डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में ऑल इंडिया रैंक बन रही है जिसके मेरे रिजल्ट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर करके आप लोग जाकर मेरे रिजल्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग लगा रखी है जिसमें यह बताया गया था कि भैया रेलवे की में जो एसएससी की जो रिक्रूटमेंट होती थी उस पर 2018 से रोक लगा दी गई थी। उस वक्त ये लोग क्या करते थे, जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट पर ये लोग प्रमोशन के थ्रू सीटें भरते थे। बट अब क्या, जैसे 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है तो इस बार इन्होंने क्या किया, रेलवे की एसएससी की भी पोस्ट निकाल दी गई है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। जैसा कि इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि एसएससी की लगभग 3000 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। बट अभी की जो अपडेट है उसमें आपको 6000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती है और ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि इसी साल आप लोगों का स्ट्रगिंग फेस सिलेक्शन फेस में कन्वर्ट हो जाए। इसके अलावा मैं बहुत सारी वीडियोज मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है जिसके थ्रू आप लोग देख सकते हैं कि अब का एग्जाम पैटर्न क्या है और अब क्या एग्जामिनर की नीड है। तो जो भी बच्चे जो पहले जेवी गुप्ता आर के राजपूत को फॉलो करते थे, मैं उनको कहूँगा इन सब बुक को बंद करके जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उस हिसाब की हैबिट डालिए ताकि इसी साल के अंदर आप लोगों का स्ट्रगिंग फेस सिलेक्शन फेस में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि 2024 में इतनी ज्यादा वैकेंसी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी और अगर आप लोगों का 2023 के अंदर ही स्ट्रगलिंग फेस खत्म नहीं हुआ तो 2024 में खत्म होना इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ऐसी और अपडेट चाहिए तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल जेईई स्कूल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देख चाहिए तो आप लोग जाकर मेरे कंटेंट को चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग अगर नए क्वेश्चन की सर्च में है कि यार नए क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे और इलेक्ट्रिकल में अगर आप लोग पढ़ाई करें और एई और जेईई की प्रिपरेशन करें तो भी आप लोग मेरे जाकर कंटेंट को चेकआउट कर सकते हैं। यही था आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।